हाई एवरी वन दिस इज वोनिका आज का डिस्कशन हमारा पर्पल फ्रॉक पे है कि पर्पल फ्रॉक क्या है एक नया कंटेंडर है ये स्टेट एम्फेबिन के लिए कि, किस किस स्टेट के लिए मैं आपको आगे बताऊँगी जिस तरह से हर स्टेट का स्टेट एनिमल स्टेट बर्ड होता है तो यहाँ पे स्टेट एम्फिबिन की भी बात की गई है पर्पल फ्रॉक के बारे में हम जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम पे ही मिलेंगे अब देखिए ये टॉपिक क्या है केरला की बात है ये केरला का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसने रिकमेंड किया है स्टेट गवर्नमेंट को कि महाबली फ्रॉग जो वहाँ का है जो कि एक बहुत ही रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और अंडरग्राउंड अपनी मोस्ट ऑफ़ द लाइफ ये अंडरग्राउंड रहता है इसको स्टेट फ्रॉक का दर्जा जो है वो दिया जाए महाबली फ्रॉक को तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है केरला पीएससी के लिए भी स्पेशली अब देखिए ये न्यूज़ आपको यहाँ पे पेपर में भी दिखी होगी महाबली फ्रॉग में भी केरलाज़ ऑफिशियल एम्फेबियन तो अभी तक स्टेट बर्ड एनिमल ये सुना था अब स्टेट एम्फिबियन के बारे में भी आप सुनेंगे अब महाबली देखिए जिस तरह से पिक्चर में आप देख सकते हैं इसको पिग नोज फ्रॉग भी कहा जाता है काफ़ी रेयर स्पीशीज़ है केरला की अदरवाइज भी देखेंगे रिसेंटली बहुत सारी स्पीशीज़ में हमने काफ़ी सारे नए फ्रॉग्स के बारे में पढ़ा और बहुत सारे फ्रॉग्स आपके वेस्टर्न घाट में आपको दिखेंगे अब ये जो पर्पल फ्रॉग के नाम से भी इसको जाना जाता है महाबली फ्रॉग या फिर पिगनोज फ्रॉग या फिर पर्पल फ्रॉग इसको डिस्कवर किया गया था 2003 में एक प्रोफेसर थे बीजू दिल्ली के उन्होंने इस फ्रॉग को डिस्कवर किया था फिर 2017 में जो फ्रॉग स्पीशीज़ है हेडलाइंस न्यूज़ में इसने फिर बनाई क्योंकि जो लंदन जोलॉजिकल फ़ाउंडेशन है उन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया इस फ्रॉग के ऊपर इस फ्रॉग की यूनिक एबिलिटीज़ पर कि ये किस तरह का किस तरह से रहता है किस तरह किस की इसकी एबिलिटीज़ हैं एंडेंजर्ड फ्रॉग स्पीशीज़ के बारे में पेपर लंडन में प्रेजेंट किया गया तो फिर से ये न्यूज़ में रहा अब व्हाट डज़ दिग नोज फ्रॉग लुक लाइक अब ये दिखता कैसा है तो पिक्चर्स में इसकी आपको साइड पर दिखा रही हूँ एक तो ये हमेशा ज़मीन के नीचे रहते हैं अंडरग्राउंड रहते हैं ऑलमोस्ट अपनी पूरी पूरी लाइफ और रेनी सीजन में ब्रीडिंग करते हैं हर साल जब भी रेनी सीज़न होता है और छोटा सा जो इनका कोर्टशिप का, का टाइम रहता है तब ये ग्राउंड के ऊपर आते हैं तब ये ग्राउंड के नीचे नहीं रहते रेनी सीजन में ही आप इनको नोटिस कर पाएंगे देख पाएंगे और फिर क्वाइटली एकदम धीरे से वापस ये अंडर द सॉइल चले जाते हैं कुछ दिनों के बाद जहाँ पे ये एग्स ले करते हैं तो ब्रीडिंग के टाइम पे ही आपको ग्राउंड के ऊपर नजर आएंगे नाउ रिपोर्टेडली ये जो फ्रॉग्स हैं ह्यूज़ है साइज में एकदम लार्ज बिल्ट इनका रहता है लेग्स बहुत छोटी सी रहती हैं हेड इनका अगर आप देखेंगे छोटा सा हेड है और ये जो स्नाउट है ऐसे नाक जैसा पिग नोज तभी कहा गया है स्नाउट लाइक लिप्स भी हैं इसके यहाँ पे तो आप देख सकते हैं इसका पूरा Uh, किस तरह से ये फ्रॉक दिखता है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने भी इसके बारे में देखिए क्या ट्वीट किया है डोंट यू जस्ट वॉन्ट टू बूव द स्नूट ऑफ द पिगनोज फ्रॉक द स्पीशीज लिव इन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज इन इंडिया इट्स फ्रॉम द साइल इन सर्च ऑफ टर्माइट्स एंड वंस इट लोकेट्स अ मील इट्स स्कूप्स दैम अप विद द फ्लूटेड टंग तो ये भी बोल रहे हैं कि ग्राउंड के ऊपर ये अपने खाने के सर्च में अपने शिकार के सर्च में भी आता है जैसे टर्माइट्स हो गए और एक बार इसको खाना मिल जाता है तो अपनी टंग से उसको खींच के ये खा देता है तो उन्होंने इसकी इस पिक्चर को ट्वीट किया अब पर्पल फ्रॉग आपको कहाँ मिलेगा तो स्पेशली ये जो स्पीशीज़ है वेस्टर्न घाट बहुत बड़ा एरिया है पूरा आपका अरेबियन बेसिन जो होता है उसके साइड साइड पे आपको वेस्टर्न घाट्स हैं तो ये जो स्पीशीज़ है करंटली पेरियार टाइगर रिजर्व जो केरला में है और अनामलाई टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है वहाँ पर इसको ऑब्जर्व किया गया है ये स्पीशीज़ जो फ्रॉक की है इसको लोग हंट भी करते हैं इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से पेरियार टाइगर रिजर्व में जहाँ पाया जाता है उसके बारे में बता दूँ पेरियार नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है प्रोटेक्टेड एरिया है नियर थेकाडी इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इदुक्की कोटयम और यह है आपका पाठना मेहता केरला में हो सकता है प्रोनाउसिएशन में वेरी फ्रॉम द लोकल लैंग्वेज तो यहाँ पे आप एरिया देख सकते हैं डुकी का पेरियार का जहां पे ये फ्रॉग जो है पाया जाता है अब पेरियार जो नेशनल पार्क है इसको पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और थेकाडे भी कहा जाता है काडेम हिल्स जो हैं वहाँ पे ये लोकेटेड हैं और आपके पंडलम हिल्स इन साउथ वेस्टर्न घाट्स जो बॉर्डर करता है तमिलनाडु को फर्स्ट ऑफिशियल एक्शन टूवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी इन केरला वॉज टेकिंग इन नाइनटीन तो नाइन थर्टी में पहली बार ऑफिशियल एक्शन लिया गया केरला में कि हमको वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है और उस टाइम यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए ताकि उनको हम इनक्रोचमेंट से बचा पाएं अब हमेशा हम आई की बात करते हैं आई यू सी एन रेड लिस्ट एंड डेंजर्ड स्पीशीज थ्रेट एंड वॉलरेबल तो हमेशा याद रखिए इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल एग्जाम्स में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और इन्होंने ये जो स्पीशीज़ है इसको एंडेंजर्ड का करार दिया है केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस स्पीशीज़ को स्टेट फ्रॉप का दिया है अब स्टेट फ्रॉक देने से या फिर उसको स्टेट एम्फेबिन देने से फ़ायदा क्या होगा कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है ऑलरेडी ये फ्रॉग तो किसी भी चीज़ को जब एनिमल uh, को इतना प्रोटेक्शन मिलता है स्टेटस मिलता है तो उसकी कंजर्वेशन के लिए एक्स्ट्रा फंड्स एलोकेट किए जाते हैं एक्स्ट्रा केयर दी जाती है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाती है कि इस ये तो अब स्टेट फ्रॉक बन गया अब इसको प्रोटेक्ट करना तो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा तो इसलिए इस तरह से एलिवेट किए जाते हैं स्टेटस अब केरला के, के कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें 2018 में पिनराय विजयन लेड गवर्नमेंट जो वहाँ पे थी उन्होंने बुद्धा मयूरी एस्टेट बटरफ्लाई केरला की बनाई थी तो स्टेट बटरफ्लाई कौन सी थी बुद्धा मयूरी और एशियाटिक एलिफेंट जो है वो स्टेट एनिमल है ग्रेट हॉर्नबिल ऑफिशियल बर्ड है ग्रीन क्रोमाइड कनिकोना कोकोनट ट्री स्टेट के ऑफिशियल तो फिश फ्लावर एंड ट्री हैं तो फ़िश क्या है आपकी ग्रीन क्रोमाइड कनिकोना फ्लावर और कोकोनट ट्री तो आप ये केरला के कंजर्वेशन एफर्ट्स देखिए स्टेट एम्फिबिन तो ये आप एज एन ऑब्जेक्टिव याद भी रख सकते हैं कि स्टेट एनिमल कौन सा है केरला का बटरफ्लाई uh, uh, कौन सी है क्योंकि ये इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स को दिखाता है अब इस फ्रॉग की बात करें तो इस फ्रॉग के रूट्स आपको मेथोलॉजी में भी नज़र आएंगे महाबली या मावेली एक असुरा किंग माना जाता है कि जिन्होंने इस रीजन जो केरला वाला रीजन है यहाँ पे रूल किया बाद में उनको बैनिश कर दिया गया बाय लॉर्ड विष्णु ताकि वो बाकी देवताओं को खुश कर पाए लेकिन मवेली जो है उनको एक विश जो है असुर किंग थे ये एक विश इनको ग्रांट की कि वो वापस केरला में आ सकते हैं सिर्फ एक दिन के लिए और जो उनके सब्जेक्ट्स हैं जो वहाँ पे लोग हैं जो उनकी प्रजा है उसको मिल सकते हैं और ये दिन जो है केरला में इसको सेलिब्रेट किया जाता है थिरुवोनम द मोस्ट अस्पिशियस डे ऑफ ओनम वेन पीपल वुड ग्रीट देअर ओल्ड किंग तो ओनम के दिन ओनम जो फेस्टिवल है उसके टाइम पर बहुत ही माना हुआ दिन जब लोग अपने पुराने राजा से मिल सकते हैं तो मिथोलॉजी में भी इस फ्रॉग की रूट्स हैं और साइंस के हिसाब से भी दिस फ्रॉग इज़ वेरी स्पेशल एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अगर आप इसकी देखेंगे तो आ, कहा जाता है साइंटिस्ट रिसर्च पेपर्स हमको ये बताते हैं कि इसकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है इट शेयर स्पेस विद डायनासॉर्स यानी सेवेंटी मिलियन ईयर्स अगो भी इसने डायनासॉर्स के साथ भी स्पेस शेयर की है इससे साइंटिस्ट को इसके पॉपुलेशन के बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिल सकती है कि कैसे ये फ्रॉग इवॉल्व हुआ क्योंकि उस टाइम डायनासॉर्स तो पेरिश हो गए ख़त्म हो गए लेकिन ये फ्रॉग ख़त्म नहीं हुआ अभी तक जी रहा है इवॉल्व हो हो के तो इतने जो चैलेंजेस आए ये कैसे शिफ्ट करता रहा और लैंड मासेस भी शिफ्ट किए हैं अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे एक ये भी डॉक्यूमेंट किया है कि इस फ्रॉग के क्लोज रिलेटिव्स जो हैं वो सशलस में रहते हैं जो कि एक आइलैंड है इंडियन ओशन ऑफ ईस्ट अफ्रीका में ओके okay, और ये डिस्कवरी ये बताती है ये लिविंग प्रूफ है थ्योरी ऑफ गोंडवाना लैंड का कि कैसे पहले ये लैंड एक ही हुआ करता था और बाद में अलग हुआ क्योंकि जो स्पीशीज वहां पाई जाती है वो यहाँ पे भी अगर मिल रही है तो वो इस चीज का लिविंग प्रूफ है अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का यहाँ पे एक और प्रूफ मिलता है हमको कि जो मैमल्स और रॉडेंट्स हैं दे में ट्रांसफर होके नई नई जगह एनिमल्स चले जाते हैं लेकिन एम्फिबंस जे कैन नॉट टॉलरेट सेलिनीटी सो ये पॉसिबिलिटी है कि एक टाइम पर जो लैंड मार्स है गोंडवाना लैंड वाला ये कनेक्टेड होगा तभी इसके क्लोज रिलेटिव अलग जगह पर अलग दो कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं तो अब देखिए रिसेंटली ये हमने अभी तक महाबली फ्रॉग की बात की चार नए एम्फिन स्पीशीज़ हैं जो अरावली डा बायोडावर्सिटी फ्रॉग में मिले नेपाल वॉट फ्रॉग नेपाल बॉरिंग फ्रॉग इंडियन टोड इंडियन इंडस वैली ये सब हम एम्फेन पे वीडियोस बनाते रहते हैं कि नए नए कितने स्पीशीज़ मिलते हैं फाइव एक और देखिए ये हेरल्ड का न्यूज़ है फाइव न्यू स्पीशीज़ ऑफ श्रब फ्रॉग्स फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स तो इतनी नई स्पीशीज़ का डिस्कवर होना हमको यही बताता है कि बहुत सारी स्पीशीज़ हैं बहुत बायोडाइवर्सिटी है दुनिया में जो अभी खोजना बाकी है तो यहाँ पे आप ये कटिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत सारे नए स्पीशीज़ ऑलरेडी थ्रेटेंड हैं जब तक अब हमने उनको ढूंढा भी नहीं उससे पहले ही उनकी पॉपुलेशन कम हो चुकी है और कुछ एक्सटिंक्ट भी हो चुके होंगे तो बहुत अनफॉर्चुनेट है साइंटिस्ट के लिए कि

पार्टिसिपेट बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए कोर्सेस हमारे ई एम आई पर भी अवेलेबल हैं आप जो नीचे नंबर्स दिए हैं उन पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं थैंक यू सो मच